एंड ऑल्सो यूथ एक्टिविस्ट एंड आईटी प्रोफेशनल। मैं समझती हूँ कि इतनी बड़े कंपनी का पार्ट होना इतनी यंग एज में, शी इज़ आई एम श्योर वेरी टैलेंटेड एंड वेरी डेडिकेटेड। और मैं चाहूँगी कि अब आप थोड़ा यूथ के हवाले से हमें और एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से गाइड करें। थैंक यू, काइंडली क्लैपिंग दो लाइन। थैंक यू। Assalamualaikum everyone, this is really good to see you all at this platform and so let me give you, वैसे तो फाइका ने बहुत अच्छा मेरा इंट्रोडक्शन दिया है। सो दिस इज़ राबिया बकार, एस एस फाइका इंट्रोड्यूस्ड मी। आई एम आईटी प्रोफेशनल, यूथ एक्टिविस्ट और ह्यूमन एम्पावर भी करती हूँ, तो ह्यूमन एम्पावरमेंट भी आप कह सकते हैं। और इसके अलावा आई एम स्टार्टअप सक्सेस मैनेजर एट नेटसोल टेक्नोलॉजीज, प्लस आई एम अ बिजनेस मैनेजर एट हॉस्पिटल। So this is my short intro. I managed several prestigious projects like BMW, Mercedes-Benz, Financial Services of Canada. So this is what I did, and I'm doing multiple tasks at the same time. So the thing is, being a youth activist, आज मैं कुछ youth के बारे में बोलूँगी। यहाँ पे वैसे तो सभी बहुत young हैं। मैं किसी को ये नहीं कहूँगी कोई age wise, age is just a number, as I always say. अब मुझे कोई कहता है यार तुम अभी इतनी एज में हो, यू आर जस्ट एज, नहीं बोलूँगी एज इज जस्ट अ नंबर, आई जस्ट मेंशन दैट। सो द थिंग इज कि यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स भी हैं, राइट? और बहुत सारे मुझे अच्छे अच्छे चेहरे नज़र आ रहे हैं जिनके साथ पहले भी मेरा बहुत दफ़ा मेरा मिलना हो चुका हुआ है और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। सो अभी भी ये माइंड सेट मैं देखती हूँ कि पहले डिग्री लो और उसके बाद आगे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट करो, डिग्री को पहले इंपॉर्टेंस दो। लेकिन मैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में अपने बहुत सारे इंटरव्यूज में बोलती हूँ कि पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो मोटिवेट करें, एम्बोल्ड करें अपने बच्चों को, और बच्चों का भी ये माइंडसेट होना चाहिए कि नहीं, हमें अभी से स्टार्ट करना चाहिए, हमें अभी से अपने कैरियर को लेकर सोचना चाहिए। एक वो प्रोडक्टिव माइंड कहीं ना कहीं अभी भी लैग कर रहा है। सो दिस इज़ अ थिंग। अब बच्चे क्या कहते हैं, वो कहते हैं नहीं अभी तो 16 ईयर्स के हैं, हम 18 ईयर्स के हैं, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। ऑब्वियसली इस एज में अपॉर्चुनिटीज बहुत कम मिलती है, स्पेशली इन पाकिस्तान। दैट्स वाई यूरोप इज फार फार बेटर देन अस, क्योंकि वहाँ पे बच्चों का माइंड सेट और पेरेंट्स का माइंड सेट ये है कि अभी बच्चे 16 ईयर्स के हुए हैं। बहुत सारे कंट्रीज में 14 ईयर्स इज द एवरेज एज जहाँ पे बच्चों को कहा जाता है जाओ और अपने एक्सपेंस खुद अफोर्ड करो। सो दिस इज द माइंड सेट। वहाँ पे क्या है, आप देख सकते हैं वहाँ पे कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट है बिकॉज ऑफ दिस माइंड सेट। बच्चों को पता चल जाता है अर्ली एज में कि उनके स्किल्स क्या है, उनकी एक्सपर्टीज क्या है। यहाँ पे डिग्री खत्म होने के बाद भी नहीं पता चलता कि हमारी एक्सपर्टीज क्या है, हम किस में अच्छे हैं और हम किस में आगे जा सकते हैं। सो दिस इज द थिंग, वी हैव टू थिंक अबाउट इट। अब द थिंग इज के अपॉर्चुनिटीज नहीं है, यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स नहीं है। दे वेट कि कोई अपॉर्चुनिटी आए और फिर हम उसको फौरन से पकड़ें या उसमें आगे निकलें या व्हाट सो एवर, दे वेट फॉर दैट। What I encourage and what I am bold कि आप लोग opportunity का wait ना करें, नहीं है create करें, खुद से आगे बढ़ें। अब opportunity create कैसे कर सकते हैं, पहले AI का दौर नहीं था, पहले बहुत सारा मतलब बहुत सारे entrepreneurs ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा struggle करके आगे आना पड़ रहा है। बट द थिंग इज कि अब AI ने काफ़ी ज़्यादा ईज क्रिएट कर दी है, स्पेशली वुमेन के लिए। आई गेस 23% AI के बाद ऐसी वुमेन है जो entrepreneurship में आई हैं, क्योंकि obviously बींग अ वुमेन आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जिनको उनको देखना चाहिए। सो दिस इज द थिंग कि खुद से AI ने बहुत सारा काम ईज कर दिया, लेकिन अभी भी प्रोडक्टिव माइंड कहीं ना कहीं लैक कर रहा है। अब जैसे कि मैं इंक्यूबेशन सेंटर की बात करती हूँ, जैसे कि नेक्सो ने जस्ट मे बी सम ऑफ यू नो दैट कि उन्होंने NICL की विन किया है। सो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूथ को हम लोग बहुत ज़्यादा एम्पावर कर रहे हैं और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं। उन्हें सबसे बड़ी बात यह है एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है जहाँ पे वो अपनी आइडियाज बिजनेस को लेकर आए, स्टार्टअप्स को लेकर आए, और वहाँ पे हम उनको प्रॉपर गाइड करेंगे, उनको मेंटोर करेंगे, उनको लीड करेंगे, उनको गवर्नमेंट सपोर्ट देंगे, विच इज़ वेरी नेसेसरी। बहुत सारे स्टार्टअप्स ऐसे होते हैं, आइडियाज स्टेज पे भी बेशक होते हैं, बहुत सारे यूथ जो कि मैं अभी बहुत सारी मल्टीपल यूनिवर्सिटीज में जाती हूँ और वहाँ पे इवन FYP फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स में I am astonished by their projects, by their mind, by their thinking, by their ideas. That how creative they are, that how innovative they are. But kahan pe problem aa rahi hai? They don't have enough platforms to explore it, to like display it. That's what we are thinking, and that's what we are about to do.
सो दैट्स व्हाट एनआईसी आर गोइंग टू डू कि वो उनको प्रॉपर प्लेटफॉर्म देंगे, देयर वो अपनी एबिलिटीज को शो करें, अपनी एक्सपर्टीज को शो करें, और जहां जहां उन्हें हमारी तरफ से कोई भी इशू आएगा, कोई भी प्रॉब्लम आएगी, हम उनको सपोर्ट करेंगे. सो दिस इज अ बिग इनिशिएटिव विच नेटसोल इज गोइंग टू डू बिहाफ ऑफ एनआईसीएल. सो दिस इज द थिंग. अच्छा, अब हम और बात करें यूथ के बारे में. तो कौन कौन समझता है कि लाइक अभी भी एंटरप्रेन्योरशिप में एक लेस देन 18 को नहीं आना चाहिए एंटरप्रेन्योरशिप में, और किस किस को लगता है? आई वांट टू एंगेज यू ऑल कि हैंड रेज करें और बताएं कि 18 प्लस में एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो ज़्यादा बेटर रहेगी इन कमिंग ईयर्स, उनको एनकरेज करना चाहिए सर. यस, एनी वन ऑफ यू किसी को नहीं लगता कि 18 प्लस के बच्चे जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप में आने चाहिए? 18 प्लस ईयर्स, दिस इज द एज. यस यस, यू प्लीज गिव मी अ वैलिड रीजन कि क्यों आना चाहिए. एनी प्रोजेक्ट, एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट, एनी काइंड ऑफ लेवल, दे हैव टू कम एंड डिस्प्ले देयर थॉट्स, डिस्प्ले देयर आइडियाज. दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू एंड दैट्स व्हाट वी वांट टू ऐड अ वैल्यू टू आवर नेशन. सो दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग टू ऑल ऑफ यू. क्या ऐसा माइंड सेट है? यस फाइनल, हम बचपन में ना एक इवेंट अटेंड करते थे और मेरे जो चाचा हैं वो बाटा की फैक्ट्री में मैनेजर थे, तो उनको गुब्बारे वो बाटा वाले मिलते थे. ठीक है, वो बच्चों को हम सबको उन्होंने ला के दिए. अब हम में से सबको वो मिले, लेकिन मेरे एक कज़न ने उसको जाके सब जगह बेचना शुरू कर दिया, खुला के. तो बच्चों को जा रहा है और वो बेच रहा है. ठीक है, एंड उस बच्चे का आज एक सॉफ्टवेयर हाउस है और वो उसने अपनी पूरी फैमिली के 12 मेम्बर्स को बच. जो लर्निंग जो है ना कैपेबिलिटीज बहुत अच्छी है. इसकी मिसाल मैं ये लूंगी कि मेरा बेटा 11 साल का है और वो डैशबोर्ड पे जैसे बच्चों से बात करते हैं, लोगों से बात करते हैं, और उसने कैनवा की पूरी ट्रेनिंग ले ली है. और ये जो बेंचमार्क है सिर्फ
पर्सन इज स्टार्टिंग इन 18 और 16 और व्हाटएवर द एज, बट हमारे यहाँ दो तरह के माइंडसेट हैं, बीइंग पेरेंट्स बीइंग मेंटर्स, या तो हम बच्चों को बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं, देखो उसने इस एज में ये कर लिया, उसने इस एज में ये कर लिया, एक सोसाइटी का और एक सोशल मीडिया का प्रेशर बच्चों पे हम पुट कर रहे हैं, मेरे अपने बच्चे इस एज ब्रैकेट में, सो आई नो, अच्छा उसके बच्चे ने ये कर लिया, वो ऐसे कमा रहा है, वो ऐसे कर रहा है, वो इस तरह ग्रो कर रहा है, तुम कुछ नहीं कर रही, तो वो मेंटल हेल्थ को कितना डिस्ट्रॉट कर रहा है फॉर उसके कमिंग ईयर, इट्स हमें अभी उसका आइडिया भी नहीं होगा। सेकेंडली एक तो एक ये माइंड सेट है, दूसरी एक ऐसी पेरेंटिंग है हमारे पास जिन्होंने हमारे बच्चों को इतना पैम्पर कर दिया है, इतना पैम्पर कर दिया दैट आई एम अफ्रेड बिकॉज आई एम अ स्कूल प्रिंसिपल कि जब ये बच्चे मार्केट में जाएंगे तो ये सोसाइटी के साथ डील कैसे करेंगे, मींस हाउ द टीचर कैन स्पीक लाइक दिस टू द स्टूडेंट्स। एग्जैक्टली, बिटवीन रखना है इसको, और ये नहीं है कि आपके हर 16 साल के बच्चे को बाहर निकालो, पर ये भी नहीं है कि आपको कि हर 24 साल के बच्चे की फीस जो है वो पेरेंट दे रहे हैं। Exactly. तो हमें बैलेंस रखना है सोसाइटी में, और ये हम एजुकेशन के थ्रू कर सकते हैं। अभी मैं बहुत सी चीजें सुन रही थी, सर बात कर रहे थे तो सर बता रहे थे उन्होंने कितने बिजनेसेस किए हैं, आज भी उनको कोई लॉस होता है तो ये चीज हिल जाती है ना सर, हम उसको नहीं बर्दाश्त कर पाते। एक बच्चे को बिजनेस में ले आएंगे और वो ये फर्स्ट में सेकंड में 100 फेलियर्स इज अ बिग नंबर, अगर आप उसको दो फेलियर भी दे दोगे ना तो उसको लगेगा मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। तो ये चीज भी हमारे पास एड्रेस होनी चाहिए, डोंट प्रेशराइज सकते। बाहर के जो प्रेसिडेंट्स हैं वो अपने बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि जाएं सेल्समैन में जाएं इस काम में। थियोरेटिकल नहीं है ना, वहाँ पे प्रैक्टिकल्स पे फोकस है, दैट्स द थिंग, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई एम हाइलाइटिंग। Yeah, you're saying so right. इधर मैं अपने इनसाइट्स ऐड करूंगी। इसके
कि यहाँ पे जो फॉर एग्जांपल माइंडसेट है, जितना कि उन्होंने बात की फेलियर, व्हाई दे आर फेयर ऑफ डूइंग मिस्टेक्स, दे आर फेयर ऑफ डूइंग फेलियर्स आ जाएंगे, नो प्लीज ओवरकम करें. अगर आते हैं, अगर मिस्टेक्स करते हैं, करने दें, लेट देम ग्रो. ये हर्डल्स उनके आगे नहीं आनी चाहिए. अच्छी बात है वो मिस्टेक्स करें. मैं हमेशा कहती हूँ मिस्टेक्स आर योर बिगेस्ट बेस्ट टीचर. इनको अपने टीचर कंसिडर करें. जो आप मिस्टेक्स से लर्न करते हैं वो आपको कोई चीज़ दुनिया की नहीं सिखा सकती. तो ये तो बहुत अच्छी एक बात है कि आप अर्ली एज में आपको फेलियर्स फेस करने पड़ जाएंगे, मिस्टेक्स आप करेंगे, आप सीखेंगे, आप ग्रो करेंगे. बेसिकली ये स्टेप्स हैं. बाकी जो माइंडसेट रहा कि वाकई ऐसे ऐसे, मैं यूथ की बात करूँगी, बहुत सारी मेरे पास एग्जांपल्स ऐसे भी हैं जहाँ पे 50 प्लस ईयर के लोग भी, 60 प्लस के, नहीं अब तो सारी जिंदगी जॉब की है, अब बिजनेस करना पता नहीं लोग क्या करेंगे, या वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता. सो ये चीज़ें हैं. अपने माइंडसेट को बेसिकली अपने तरह से सोचना है, उस अपने माइंडसेट को बेहतर करने की जरूरत है. मैं बाहर किस तरह के भी आपने एग्जांपल दी थी, अभी मेरी कजन है फंड रेजिंग, सो उसको जैसा वो मेरी वीडियोस देखती है एंड ऑल दैट, सो वो कहीं बूस्ट हुई, उसने टू अपनी वेबसाइट बनाई, शी इज जस्ट 10, शी नोस के गूगल फ्री दे रहे हैं, सो ऑल अबाउट फिटनेस. वो बच्ची बाहर गई है, उसने एक्सप्लोर किया है, उसको मैं मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स बच्चों के लिए भी हैं, ऑल अबाउट द अवेयरनेस कि हमें पता है कि कहाँ पे अपने बच्चों को भेजना चाहिए, कहाँ पे उनको लर्निंग प्लेटफॉर्म मिलेगा और कहाँ पे वो अपनी एबिलिटीज को, एक्सपर्टीज को यूटिलाइज कर सकते हैं और बेहतर तरीके से सीख सकते हैं. दिस इज द एज कि वहाँ जहाँ पे उनको पता चलना, दिस इज इम्पॉर्टेंट, दिस इज नेसेसरी. सो उसने अपनी ब्रेसलेट्स का एक बिजनेस स्टार्ट किया एंड उसने घर से फंड रेजिंग स्टार्ट की. तो हमने उसको ये नहीं कि मुझे चाहिए नहीं, मैं बस, या मुझे ब्रेसलेट उसके पसंद नहीं है या मुझे खरीदने नहीं है, उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको बूस्ट करने के लिए हम सब ने फंड भी रेज किया और उसके कस्टमर्स भी बने. सो दिस इज अ थिंग. उसको वहाँ से क्या मिला, उसको बहुत ज़्यादा एक तो ये कॉन्सेप्ट उसके अंदर आया, ये चीज़ आई कि नहीं मैं कर सकती हूँ, उसको एक पुशअप मिली, उसको एक किक मिली हम सब की तरफ से. फिर सी पाकिस्तान में मैंने उसके लिए कुछ स्टॉल वगैरह अरेंज किए, सो देयर शी गॉट मच मच बूस्ट. हाउ, कि वहाँ पे उससे लोगों ने खरीदी चीज़ें कि नहीं यार छोटी सी बच्ची है वो कर रही है अपना बिजनेस एंड ऑल दैट. यहाँ पे ये माइंडसेट है बूस्ट करने का, ये नहीं कहूँगी. टैलेंट बहुत ज़्यादा है. जो लोग कहते हैं नहीं पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, ऐसा नहीं है, वो बहुत गलत करते हैं. आई लिटरली लिटरली डिनाई दिस थिंग. देयर इज अ ह्यूज टैलेंट. इवन टैलेंट है तो बाहर के लोग पाकिस्तान प्रेफर करते हैं कि यहाँ से लिए जाएँ, डॉक्टर्स लिए जाएँ, इंजीनियर्स लिए जाएँ, आईटी प्रोफेशनल लिए जाएँ. आज भी जितनी इनोवेशन होती हैं, इफ़ यू सी द नेम्स, पे पाकिस्तानी नेम आपको मिलेगा, मुस्लिम मिलेंगे, लेकिन नाम किसका आएगा, अमेरिकन कंपनी का, यूके कंपनी का. व्हाई, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो दे आर इनोवेटिव, दे हैव एवरीथिंग, दे आर मच टैलेंटेड, बट कहाँ पे गैप आ जाता है कि यहाँ पे उनके कोई एक्सेप्ट नहीं करता ना उनकी एक्सपर्टीज को, कोई एक्नॉलेज नहीं करता, कोई अप्रिशिएट करने वाला नहीं है. यहाँ पे उनका कॉन्फिडेंस कहीं लैक हो जाता है. यहाँ पर हमारे बच्चों के पास वैसा कोई एक्सपर्टीज है नहीं है. टू बी वेरी फ्रैंक, हमें इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए. टैलेंट बहुत है, परफॉर्मेंस में डिफरेंस होता है. कॉम्पिटेंसीज है बट दे आर नॉट परफॉर्मिंग. उसके रीजन आपका जो बिजनेस पढ़ा रहा है उसने खुद कभी बिजनेस नहीं किया. दैट्स अ फैक्ट. आपने जब तक बिजनेस किया नहीं है, मुझे कैसे बिजनेस पढ़ाओगे या मुझे बताओगे. तो हमारे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जब इस तरह के गैप्स आएंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास वैसे ही बच्चे प्रोड्यूस होंगे जो आगे जाके हम लोग जब आप हमें अभी बात हो रही थी कि सीवी के थ्रू आप नहीं चेक करें, स्किल के थ्रू देखें. सीरियसली हमारे पास ऐसी ऐसी सीरीज आती है जब हम उनसे बात करते हैं दे आर नॉट एबल टू से सिंगल सेंटेंस. जब वो कम्युनिकेशन स्किल को बॉदर ही नहीं करते और आपने पीएचडी की है या आपने मास्टर्स किए हैं जो भी किया हुआ है, बिकॉज कि उन्होंने डिग्रीज तो बहुत ली होती है, मास्टर्स की, पीएचडीज भी, लेकिन स्किल्स क्या होता है, रिकॉग्नाइज नहीं करते. इंडस्ट्री में बहुत जॉब्स हैं, सब कुछ है. पॉइंट सिर्फ यही है कि जब वो जॉब सिनेरियोज में जाते हैं तो दे कम टू नो कि हमारे पास तो वो स्किल सेट, स्किल्स ही नहीं है कि हम लोग इसको ले सके. हमने तो सिर्फ बुक से पढ़ा. कौन बताएगा ये, कौन बताएगा कि इनमें स्किल्स नहीं है? एग्जैक्टली, ये उनका माइंडसेट कौन चेंज नहीं करेगा, कौन उनको एनर्जी नहीं देगा? एग्जैक्टली. सबसे बेसिक जो है, जो मेरा सबसे बड़ा कंसर्न है, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम ही ठीक नहीं है. उसको कौन ठीक करेगा? हम लोग अभी आपस में बात कर रहे हैं, हमें चाहिए कि एक एजेंडाज बनाए जाएं, पॉलिसीज बनाए जाएं. वी हैव टू रेज आवर वॉइस. आई गेस आज की कॉन्फ्रेंस का तैयब एक ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि हम लोग यहाँ से यानी मिलकर अपनी वॉइस करें, खुद इंडिविजुअलिटी पे ना कुछ करें कि हम जो आने वाली जनरेशन है, दे मेक द नेशन, यू नो, recognized all over the world. This is what we want. कि यहाँ पे talent है, लेकिन उसको recognize, उसको बताने वाले, सही तरह से समझाने वाले जो हैं, वो खुद नहीं होता कि उन्होंने, you know, बहुत किए हुए
एक्सपीरियंसेस को, जो बिजनेस जिसका आपने एग्जांपल दी, जो बिजनेस पर हार्ड है उन्होंने खुद कभी बिजनेस नहीं किया हुआ, कि क्या है उनके पास प्लस पॉइंट, दे हैव द बिजनेस डिग्री, जस्ट दैट दे डोंट हैव स्पेसिफिक एक्सपर्टीज. ये हो रहा है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में हो रहा है. हमें चाहिए कि हम एक्सपीरियंस्ड लोगों को आगे लेके आए, अपनी वॉइस यहाँ पे रेज करें, बिकॉज नाउ इट कम्स टू द जनरेशन. वहाँ पे मेरे उसका उनका सिस्टम का नाम याद नहीं रहा, वो उन्होंने बकायदा प्रोजेक्ट्स किए हैं यंगस्टर्स को, जैसे कि आपको ये फंड है इतना है, आप इससे जाके कोई ना कोई अपना स्टार्टअप करें या कुछ करें, ठीक है. मतलब एक कोई एक पार्टनर बनाना पड़ता है कि जहाँ से, जो कि हमारे पाकिस्तान के अंदर अगर आप देखें तो मैं कराची मोस्ट ऑफ द टाइम में वो वहाँ की एक बिजनेस बात जो है नेमन कम्युनिटी, उनके अंदर ये है कि जब बच्चा चल ही रहा होता है शुरू के अंदर, या तो वो पेरेंट्स के साथ होता है वहाँ सीख रहा होता है, या फिर ये है कि उसको एक सर्टन अमाउंट दे देते. मेरे अपने दोस्त थे स्कूल्स में, उनको था कि नहीं कि तुम्हें ये पैसे दे दिए अब तुम इसको इतना करके लाओ. यूज योर ब्रेन, दिस इज ऑल अबाउट टास्क एंड चैलेंजेस. यही इसराइल के अंदर भी हो रहा था. अगर आप कहते हैं ना जी कि वो डेवलप कर गया सब कुछ करके, तो उनका बेसिक एजुकेशन सिस्टम के अंदर वो है कि आपको नौकरी के लिए नहीं तैयार कर रहे, आपको एंटरप्रेन्योर के लिए तैयार. एग्जैक्टली. यहाँ एक फैमिली सिस्टम से भी है, मगर हमारे गवर्नमेंट लेवल पे या सोसाइटी के लेवल पे वो ऐसी एनजीओस या व्हाटएवर जो भी ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है जहाँ ये कॉन्सेप्ट डेवलप हो कि आपको एक सर्टेन अमाउंट दिया, अब आप जाके अपना दिमाग इस्तेमाल करें इसको डबल. यहीं पे मैं ऐड करना चाह रही हूं, जो आपने चैलेंजेस की बात की, डोंट ओवरकम योर चैलेंजेस. ओवरकम करना है तो अपने फियर्स को करो, अपने डर को करो, और इस डर को करो कि मिस्टेक करूंगा तो पता नहीं दुनिया क्या कहेगी. प्लीज प्लीज इससे बाहर आ जाए. जब आप कुछ करेंगे शुरू में मिस्टेक्स होंगे, फेलियर्स का भी फेस ऑन करना पड़ेगा. अर्ली एज में स्टार्ट करें, अपने बच्चों को करें, खुद है अभी नहीं किया, क्योंकि हम सब में, हम सब के अंदर कोई ना कोई एंटरप्रेन्योर है. वी ऑल आर आवर ओन बॉस, हमने बस रिकग्नाइज करना है उसको. दिस इज द थिंग. और मैं सबसे पहले तो अपनी मदर का बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहती हूँ कि इन्होंने मुझे बहुत अर्ली एज में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज दी. नो यू कैन डू इट. मैं भी ऐसी थी, मैं कहती थी नो आई कांट डू इट, आई डोंट थिंक सो, बट माय पेरेंट्स ऑलवेज एम्बोल्ड मी, एनकरेजेस मी, दैट्स व्हाई आई एम हियर. दिस इज अ थिंग. यूज करना नहीं आया ना, एआई आ गया, लेकिन आईटी आ गया, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है इसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं. इवन हमारी जो डेली लाइफ है कोई भी नहीं करता होगा, जैसे चल रहा है एआई आ गया, किसी को नहीं पता था आ गया, डेली लाइफ में कोई यूज ही नहीं कर रहा ना, कोई इनिशिएट नहीं कर रहा. यार मल्टीपल पर्सन एआई के क्या नुकसान है, मैं इसको वाइंड अप करती हूं. माइनसेस है ना, उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं. उसके आपने सही कहा, बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं. सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो ये है कि इट गोना रिप्लेस द ह्यूमन बीइंग्स जॉब्स वेरी सून, क्योंकि अभी तो ह्यूमंस आर क्रिएटिंग एआई, बट इन कमिंग इयर्स एआई विल क्रिएट एआई. सो दिस इज अ थिंग. एक स्किल पर रह के आपको कोई हायर नहीं करने वाला इन कमिंग ईयर्स. सो बी मल्टी टैलेंटेड, मल्टी टास्कर, और स्किल्स लेकर आए, बी स्किलफुल. दिस इज व्हाट आई वांट टू ऐड. एंड द थिंग इज आई नीड टू रैप अप द थिंग. थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा सबके साथ बात करके और सब एंगेज हुए. सो दिस इज व्हाट. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच आभिया. आपको लोग बहुत ज़्यादा और सुनना चाहते हैं, लेकिन मसला ये कि हमारे पास टाइम कम है.